यहाँ पर आपके पास जो भी एलिमेंट डेवलप हो गए इस हवाले से, उसमें आप माइलिन शीट ऑब्जर्व करोगे। माइलिन शीट श्वान सेल्स की बनी हुई होती है, और श्वान सेल्स वो होते हैं जो कि बेसिकली इम्पल्स को जंप करवाते हैं। अभी तक कितना हम लोगों ने पढ़ा, इसको एक दफा जल्दी से बहुत तेज से रिव्यू कर लेंगे। हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन का बेसिक डिफरेंस पढ़ा। मैंने कहा नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड न्यूरॉन आर दोस व्हिच एक्चुअली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग, दे प्रोड्यूस रैपिड एक्शन, और न्यूरॉन जो है वो शॉर्ट लास्टिंग होते हैं। वेयर एज केमिकल कोऑर्डिनेशन वो होती है जो कि हार्मोनल सिस्टम के थ्रू होती है। इसी सिस्टम को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि हार्मोन जो है वो सेक्रेट होता है हमारे ब्लड के अंदर, ये स्लो एक्टिंग होता है, इसका काम जो है वो स्लोली काम करता है। वही वाली मिसाल है कि अगर आज शुगर लेवल बढ़ेगा तो 2 घंटे बाद इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, उसके 2 घंटे बाद शुगर लेवल कम होगा, सही है? तो ये काम स्लोली हो रहा है, जबकि अगर तुम्हें अभी कोई बैठ के आवाज देगा तो तुम अभी रिस्पॉन्ड करोगे। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने कल एक आवाज दी थी तुमने वो सुनी तो आज मैं उसका रिस्पॉन्स देना है, ऐसा नहीं होगा, सही है? नर्वस कम्युनिकेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट, केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो, नर्वस कोऑर्डिनेशन शॉर्ट लास्टिंग, आपने सुनी बात, आपने रिस्पॉन्ड किया, बात खत्म, खलास, कोई इम्पल्स फर्दर नहीं जा रही। और फिर आपके पास जो है ना केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, सही है? न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास एक आ जाता है डेंड्राइट, डेंड्राइट वो है जो कि रिसीव करेगा इंपल्स, इसको सोमा आ जाता है, सोमा वो है जो कि जनरेट कर सकते हैं, जिसके ना सारे मेजर ऑर्गन ऑर्गेनिल्स मौजूद होते हैं न्यूरॉन के। एंड देन देयर इज अ पार्ट दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, एक्सॉन कुड बी माइलिनेटेड, एक्सॉन कुड बी अनमाइलिनेटेड, इफ इट इज माइलिनेटेड इट इज प्रोड्यूसिंग और इट इज प्रोपगेटिंग fast impulses that could have a speed of 100 meters, that could have a speed up to 100 meters per second. And the slow one are called unmyelinated. They do not have Schwann cell covering around them, and their speed is about 1 meter per second, or could be as slow as 0.5 meter per second. The end part of axon is called axon terminal. I hope you all have heard a lot of words about my story. और किसी दूसरे काम में मुलव्वस इस पर नहीं होंगे, सही है? तो अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात सुनेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को यानी कि हम लोग न्यूरॉन को क्लासिफाई कर सकते हैं 2 तरह से, एक स्ट्रक्चर बिहाफ पे और एक फंक्शनल बिहाफ पे। स्ट्रक्चर बिहाफ पे बात करें तो यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, एक वो जिसके सारे एक्सॉन और डेंड्रॉन एक ही तरफ मौजूद है, एक वो जिसके एक्सॉन और डेंड्रॉन दो अलग अलग डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ पोल में मौजूद है, और एक वो जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे एक्सॉन्स हैं, बहुत सारे डेंड्रॉन और एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, और वो मल्टीपल डायरेक्शन में मौजूद है, इररेगुलर डायरेक्शन में मौजूद है। ज्यादातर जो कि न्यूरॉन हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, स्पाइन कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह को इंटीग्रेट करवा रहे होते हैं, वो मल्टीपोलर होते हैं, सही है? इसी तरह से फिर आप क्या फंक्शनल क्लासिफिकेशन अगर करेंगे आप, तो वो जो सेंसेशन कैरी कर रहा है सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंसेशन यानी कि स्टिमुलस जो कि आपने फील किया, जो चेंज आपने फील किया, जैसे गर्म चीज को हाथ लगाया तो जो गर्म का स्टिमुलस मेरे ब्रेन तक पहुंचाएगा या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा वो सेंसरी न्यूरॉन, और जो फिर वहां से कमांड लेके आएगा कि भाई गर्म चीज हाथ लगा, हाथ जल जाएगा, अपना हाथ हटा लो, और आपने हाथ हटाना है, तो हाथ हटाने का जो रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए कमांड आएगा वो कमांड आपके पास मोटर न्यूरोन के थ्रू आएगा। बेटा मैं बहुत आसान आसान बातें कर रहा हूँ, जस्ट हैव टू कनेक्ट देम विद व्हाट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम रिपीटिंग इट। अहमद, एक सेंसरी न्यूरॉन दूसरे मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करेगा, एक सेंसरी न्यूरॉन जो कि सेंसेशन कैरी कर रहा था वो दूसरे मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करेगा। ये कनेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होगा, ओके? ये कनेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होगा, और ये कनेक्शन करवाने वाले न्यूरॉन पे, यानी कि जो न्यूरॉन सेंसरी को मोटर से कनेक्ट करता है उस न्यूरॉन को हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, ओके? अगर आप किसी गर्म चीज वाला लगाते हैं, अगर आप किसी सड़क पे चलते हुए किसी पीछे से किसी हॉर्न की आवाज को सुनते हैं बहुत जोर से, जो कि मालूम होता है कि ट्रक बस अब टच करने वाला, उड़ाने वाला तुम्हें, या अगर आप जो है रास्ते से जा रहे थे और पाँव में कोई पिन चुप जाती है, तो जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज होते हैं, और इस तरह के इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आपके पास सेंसरी, रिले और मोटर न्यूरॉन सब शामिल होते हैं, लेकिन कभी कभार रिफ्लेक्स एक्शन मोनोसाइनेप्टिक होते हैं, जो मोनोसाइनेप्टिक होते हैं उनके अंदर जो कि बहुत ही ज्यादा रैपिड होता है, मतलब इतने रैपिड कि मैंने अचानक से गर्म कप चाय का हाथ में उठा लिया था
मुझे नहीं लग रहा था कि वो गर्म होगा, लेकिन जब पता चला कि वो बहुत शरीर गर्म है तो मेरे हाथ से छूट गया, तो हाथ से छूट के गिर जाना, टूट जाना उसका रिस्पॉन्स है। सही है, ये रिस्पॉन्स जो जनरेट कर रहा है वो मेरा इफेक्टर ऑर्गन है, और इफेक्टर ऑर्गन जो जनरेट कर रहा है वो इंटर न्यूरॉन के इन्वॉल्वमेंट के बगैर जनरेट कर रहा है। और अगर उसमें इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं है, अगर उसके अंदर इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं है, तो आपके पास जो भी इम्पल्सेस जाएंगी वो बहुत ज्यादा तेज होंगी। रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता, और रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है वो पाथवे रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। अगर आप एक न्यूरॉन को सेंसरी और दूसरे को मोटर कंसिडर कर रहे हो, और वो सेंसरी और मोटर दोनों कनेक्ट हुए हुए हैं आपस में, जैसे कि यहाँ पर तुम्हें शो किया गया है, जैसे कि यहाँ वाले न्यूरॉन में तुम्हें इस चीज को जाहिर किया गया है, तो अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो देयर इज ओनली वन साइनैप्स एंड दस इट इज कॉल्ड मोनोसाइनैप्टिक। और अगर यहाँ पर एक मोटर है और बीच में आपके पास आ रहा है इंटर न्यूरॉन, तो ये आपके पास हो जाएगा पॉलीसाइनैप्टिक। एक मिनट देना बताओ। अब जो है इसके अंदर तुम्हारे पास रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे जहां पे रिफ्लेक्स एक्शन चल रहा है। सही है, साइनेप्स एक दफा हो रहा है, यानी कि सिर्फ दो न्यूरॉन्स मौजूद हैं और एक दफा जुड़ रहे हैं। अगर उन दोनों का कनेक्शन एक कनेक्शन है सिर्फ, देयर इज ओनली वन कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड मोनोसाइनेप्टिक। सही है, और अगर आपके पास एक से ज्यादा साइनेप्स है तो दैट इज कॉल्ड पॉलीसाइनेप्टिक। वो क्या कहलाएगा, पॉलीसाइनेप्टिक। सही है, और इसी तरह से अब ये जो सारा काम होगा, ये सारा काम होता है नर्व इम्पल्स के जरिए से। मतलब तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि चीज ठंडी है या गर्म है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये एज शार्प है या ब्लंट है, तुम्हें कैसे पता चलेगा। ये सब कहानियां तो रिसेप्टर से चल रही है, यानी कि ये सारी कहानी शुरू कहां से हो रही है, सारी कहानी रिसेप्टर से शुरू हो रही है। लेकिन भाई बात सारी है, रिसेप्टर करता क्या है, रिसेप्टर इंपल्स जनरेट करता है। इंपल्स कौन लेके जाता है, न्यूरोन लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर क्या करता है, फिर वो बेसिकली रिस्पॉन्स चेक करता है क्या देना है, और रिस्पॉन्स जेनरेट करके देता है। फिर क्या होगा, फिर आपके पास इम्पल्स इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगी। इफेक्टर ऑर्गन क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, क्या करेगा, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इफेक्ट प्रोड्यूस करना आपकी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर आपने इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया, दैट मीन्स कि आप अपनी बॉडी की स्टेबिलिटी कायम नहीं रख पाएंगे, एंड दैट मीन्स दैट यू आर डेड, सिंपल वर्ड्स में। तो सारा काम कौन कर रहा है, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है, मैसेज। किसके थ्रू जा रहा है, पूरे नर्वस सिस्टम के थ्रू जाने वाले मैसेज को नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब जरा इस इम्पल्स के बारे में कहानी सुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो कुछ मैंने बताया है वो सबका सब रिव्यू हो गया होगा। यस और नो, इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हो जाएगा। एमन, उमर और अबीरा, व्हाट अबाउट यू गाइस? ओके सर, इसकी पीडीएफ भेज देगा, दो तीन दफा पढ़ूंगी ना तो याद हो जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल अभी आ रही है पीडीएफ, बस पीछे पीछे क्लास खत्म होने दो। अगले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स के अंदर क्या होता है, नर्व इंपल्स के अंदर आपके पास चार फेजेस हैं। कौन कौन से चार फेजेस हैं आपके पास, चार फेजेस हैं आपके पास, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल और प्रोपगेशन और साइनेप्स। अगर इस बात को गौर से सुनो, दोबारा से सुनो, जानने की कोशिश करो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर इम्पल्स क्या है। इम्पल्स, इम्पल्स वर्ड इम्पल्स का मतलब क्या है, इम्पल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रो केमिकल सिग्नल। इम्पल्स का क्या मतलब है, इलेक्ट्रो केमिकल सिग्नल। इम्पल्स का क्या मतलब है, दोबारा से, इलेक्ट्रो जो कि चार्जेस से रिलेटेड हो, केमिकल्स वो आइंस जो कि चार्जेस जनरेट कर रहे हैं,
सिग्नल वो जो के प्रोपगेट करेगा. सो यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग. ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल आपका नर्व इंपल्स कहलाता है, जिसके अंदर पहला फेज आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. पहला फेज क्या है आपका? पहला फेज है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि वो फेज जब जिस वक्त आपके पास कोई सभी चार्ज मूवमेंट में नहीं है, स्टेबल चार्ज है. लेकिन ये स्टेबिलिटी चार्ज की हमारे पास आती है -70 mV पे, यानी कि अभी आप ना कुछ सोच रहे हैं ना उस न्यूरॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं. जब वो न्यूरॉन इस्तेमाल में ही नहीं है तो वो न्यूरॉन रेस्ट पर है, और रेस्ट के अंदर जो उसका पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कहलाता है आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. इसके बाद इसका दूसरा फेज आता है जिसके अंदर आप सोचना शुरू कर देंगे, जिसके अंदर आप न्यूरॉन का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसके अंदर आपके पास एक्शन जनरेट होगा, वो एक्शन कहलाएगा एक्शन पोटेंशियल. अगर आप एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो इसके अंदर दो चीज आती है, एक होता है डिपोजिशन और दूसरा होता है रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन. पोलराइजेशन का मेरे ख्याल से मतलब होना चाहिए चार्ज लगाना, और डी का मतलब होना चाहिए हटाना. तो एक्शन पोटेंशियल का स्टार्ट कैसे होगा? चार्ज हटा के. पहले चार्ज क्या था? -70. अगर -70 को हटाना है तो +70 तक जाओगे, लेकिन इतना जा नहीं पाता तो कितना जाएगा? +40 mV तक जाएगा. दोबारा से बात को सुनना, मैं कह रहा हूँ एक्शन पोटेंशियल होगा सबसे पहले. जब भी कभी कोई इम्पल्स आएगी, इम्पल्स के आने से सबसे पहले क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल होगा. क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल होगा. क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल होगा. एक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या होगा? सबसे पहले डीपोलराइजेशन होगी. सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगी. डीपोलराइजेशन अगर टर्म को ब्रेक करें तो एक टर्म है डी और दूसरी टर्म है पोलराइजेशन. एक टर्म है डी और दूसरी टर्म है पोलराइजेशन. डी मतलब हटाना, पोलराइजेशन मतलब चार्ज लगाना. पहले था पोलराइजेशन मतलब चार्ज लगाना, जो कि रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर -70 मौजूद था तो चार्ज लगा हुआ था. अब आपने उसको डीपोलराइज किया, आपने उस पर चार्ज हटा दिया. -70 का हटाने का मतलब क्या होगा? +40 तक नहीं जा पाता, क्योंकि ये चार्जेस किसी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की वजह से नहीं, ये चार्जेस इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलेशन की वजह से, यानी कि ये चार्जेस वो हैं जो कि आइंस की ऐसे डेवलप हो रहे हैं, चार्जेस वो हैं जो कि सोडियम आइन की ऐसे डेवलप हो रहे हैं, ये चार्जेस वो हैं जो कि पोटेशियम आइन की ऐसे डेवलप हो रहे हैं. सोडियम आइन जो कि हमेशा हमारी बॉडी के हर सेल के बाहर ज्यादा मौजूद है, सेल के अंदर कम मौजूद है. और दूसरा होता है चार्ज आपके पास पोटेशियम आयन वो होता है जो कि हमारे सेल के अंदर ज्यादा और सेल के बाहर कम होता है. तो एक आगे आपके पास डिपोजिशन, दूसरा आगे आपके पास रीपोलराइजेशन. रीपोजिशन में क्या होगा कि +40 से दोबारा चार्जेस को लेके जाओगे -70 की तरफ. मैं अभी ये नहीं बता रहा कि कैसे होगा, मैं अभी ये नहीं बता रहा कि क्यों होगा, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है, जिसके बाद अगर आप प्रोपोगेट करेंगे तो चार्जेस जो है ना प्लस का चार्ज और -70 का वापस आना, +40 का लग जाना और फिर दोबारा से -70 का दोबारा से वापस आ जाना, ये आगे बढ़ता चला जाएगा. ये न्यूरॉन के एक इनिशियल पार्ट से स्टार्ट होगा और उससे फिर आगे मूव करता चला जाएगा. इसको हम कहेंगे प्रोपगेशन. इसको कहा जाता है प्रोपगेशन जब आपके पास एक इम्पल्स न्यूरॉन के शुरू वाले हिस्से से शुरू होती है और न्यूरॉन के एंड वाले हिस्से तक पहुंचती है. तो आपके पास आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और फिर आता है एक्शन पोटेंशियल. लेकिन एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन के एक छोटे से सेगमेंट में आता है और फिर वो सेगमेंट करते करते आगे बढ़ता चला जाता है. मैं अगर इस प्रोपगेशन की बात करूं तो समझ जाना कि कुछ न्यूरॉन आपके पास इस तरह का होगा, कुछ न्यूरॉन आपके पास इस तरह का होगा. अभी प्लस और माइनस पे नहीं जाना, अभी सिर्फ ये देखना कि इम्पल्स कहाँ पर है. मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इम्पल्स है, जो हिस्सा मैंने शेड कर दिया है. फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि इम्पल्स आगे बढ़ती चली गई और आगे बढ़ती चली गई और आगे बढ़ती चली गई और आगे बढ़ती, और अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गई? अल्टीमेटली एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच गई. वहां से कहाँ जाएगी? अगले न्यूरॉन पे जाएगी. तो पहले इम्पल्स जनरेट होगी, फिर इम्पल्स आगे बढ़ेगी और फिर इम्पल्स छलांग लगाएगी. छलांग लगाने का क्या मतलब है कि इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर मूव कर जाएगी. या तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में साइनैप्स होता है या एक न्यूरॉन से किसी मसल में साइनैप्स होता है. देखो मैंने अगर किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, अब इम्प्लीमेंट करो टर्मिनोलॉजी. मैंने जैसे गर्म फील्ड को हाथ लगाया तो वो फील्ड को टच करने के बाद जो मेरे स्किन का पार्ट जो टच हुआ था वहां पे रिसेप्टर्स थे, उन रिसेप्टर्स के अंदर क्या जनरेट हुआ? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया. रिसेप्टर में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, सही है. उस रिसेप्टर में क्या जनरेट हो गया? उस रिसेप्टर के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, यानी कि उस रिसेप्टर के अंदर पहले डीपोलराइजेशन हुआ, फिर उसके अंदर रीपोजिशन हुआ. उससे पहले वो कहां पर था? उससे पहले वो रेस्ट में था, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर था. देयर वाज अ चार्ज ऑफ -65 और मे बी यू कैन से -70 mV, जिसके बाद आपने जैसे ही गर्म चीज को हाथ लगाया तो वो +40 पे चला गया, फिर दोबारा से वो -70 पे आएगा.
ये एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन के एक हिस्से में शुरू होगा, यानी कि रिसेप्टर से शुरू होगा, न्यूरॉन के एक हिस्से में इनिशिएट करेगा और इनिशिएट करते करते सेगमेंट वाइज सेगमेंट करते करते आगे बढ़ेगा, फिर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को कम्युनिकेट करेगा और दूसरा न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हो सकता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर से उससे ज्वाइन हो रहा हो सकता है और वो आगे बढ़ जाएगा और वो न्यूरॉन फिर सेगमेंट वाइज प्रोपगेट करते करते अगले मसल को साइनेप्स करते। एक साइनेप्स वो है जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हो रहा है और दूसरा साइनेप्स वो है जो कि बेसिकली एक न्यूरॉन से मसल में जा रहा है। अच्छा, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे नर्व इम्पल्स की, तो बेटा एक रेस्टिंग फेज, उसके बाद एक एक्शन पोटेंशियल फेज, उसके बाद एक प्रोपगेशन फेज और उसके बाद एक साइनेप्टिक फेज। और साइनेप्स जब वो न्यूरॉन से न्यूरॉन के दरमियान है या फिर साइनेप्स जब वो न्यूरॉन से मसल के दरमियान है। अगर साइनेप्स न्यूरॉन से मसल के दरमियान होगी, जरा इस पिक्चर को देखना, अगर न्यूरॉन से मसल के दरमियान में है साइनेप्स, तो उसको नाम दिया जाता है मोटर एंड प्लेट, यानी कि ये आने वाला न्यूरॉन हमेशा मोटर होगा, सही है, क्योंकि ये आपके पास इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएगा, इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए इसको मसल के पास आना था, तो ये आके एंड हो रहा है यहाँ पर, ये कहलाएगा मोटर एंड प्लेट, और फिर मसल भी स्टिमुलेट हो जाएगा और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के तौर पर अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अभी बताओ यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सिर्फ एमन को क्लियर है और बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा तो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं।